गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप सभी को पता है कि बजट सेशन है इंडिया का, और हमें पता है कि मार्केट आज वोलेटाइल होगी, इसलिए हमने मार्केट की रैली के साथ हमने ट्रेड लिया। हमने 39,200 की कॉल को बाय किया है, बहुत ही छोटे सी क्वांटिटी में, क्योंकि हमें पता है आज के दिन मार्केट हैवी वोलेटाइल रहेगी। मार्केट बहुत ज़्यादा लॉसेज भी कराएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देगी। यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट ट्रेडर्स ही आज के दिन प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वरना मैक्सिमम क्या है, लॉसेज होने के चांसेज होते हैं। इसलिए आज हमने स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड किया है। 39,200 के स्ट्राइक प्राइस पे हमने कॉल को बाय किया था, 435 के प्राइस पे, और हम आपसे बातें करते करते अभी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। मार्केट अभी हैवी वोलेटाइल है, जिसकी वजह से कभी भी मार्केट ब्रेकआउट हो सकती है, कभी मार्केट ब्रेक डाउन भी दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अपसाइड ही मूव करे। ये अभी रैली थी मार्केट में, क्योंकि बजट सेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा था, इसलिए मार्केट में रैली आई थी। अब इस रैली को देखना ये होगा कि ये कितनी देर तक चलती है। जहाँ तक अंदाज़ा है, ये लगभग लगभग 1,000 पॉइंट के करीब करीब आपको प्रॉफिट्स पॉइंट्स दे सकती है। अब देखना ये होगा कि हमें कितना प्रॉफिट्स मिलता है। तो चलिए, लेट्स सी, आई होप सो, देखते हैं अभी क्या चलता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी नए ट्रेडर हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग आज ट्रेड ना करें, क्योंकि हैवी लॉसेस के चांसेस है। हो सकता है आपने जितनी कैपिटल के साथ आपने स्टार्ट किया हो, आप वो अपनी पूरी की पूरी कैपिटल गवा दे। इससे बेस्ट है कि आप उस कैपिटल को सेव रखें। आप 2 या 3 बार अपने बजट सेशन की ट्रेड को वॉच करें, देखें कि भाई बजट सेशन के दिन जो ट्रेड होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है। उसको देखते हुए आप लोगों को अपनी ट्रेड को आगे जारी करना है, क्योंकि अगर आज आपने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया है, फर्स्ट आपका इंडियन बजट है और आप ट्रेड कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए पहले आप इसको एक्सपीरियंस करें कि भाई बजट वाले दिन ट्रेडिंग कैसी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, कैसी होती है, उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हम अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ चल रहे होते हैं, 50-60 पॉइंट के साथ चल रहे होते हैं, और मार्केट आपसे, पता है कि आप भी सभी जानते हो कि मार्केट जितना आपसे देती है उससे कई ज़्यादा आपसे वापस ले भी लेगी मार्केट। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप 2 या 3 बार इस मार्केट में बजट सेशन को वॉच करें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है, अभी 300, कभी 200, अभी मार्केट वॉलेटिलिटी रेंज के अंदर है, कभी मार्केट अप जा रही है, एकदम से नीचे आने की भी कोशिश कर रही है। इसलिए अभी देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपसे बातें करते करते अभी देखते हैं आगे हम कहां तक जारी रख पाते हैं अपनी ट्रेड को, क्या हम प्रॉफिट्स में जाएंगे या हम कुछ ना कुछ एसएल हिट होगा हमारा, अभी हम देखते हैं आगे। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नए हैं तो वॉच करें, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और आप रिस्क ट्रेडर हैं तो ही आप ट्रेड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिस्की ट्रेडर्स भी लॉस में चले जाते हैं। देखिए, जैसे कि हमें बात करते करते अपने एसएल को भी ट्रेल कर लिया है, इससे हमारा प्रॉफिट, हमें एसएल हिट होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें लॉस नहीं होना चाहिए। मेन बात यह है, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट भी अगर एग्जिट करते हैं तो हमें लॉस नहीं होगा। अभी हमने अपने ट्रेड के एसएल को और ट्रेल किया है, अब देखना ये होगा कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारे टारगेट अचीव होते हैं। हमारा टारगेट है 550 का, अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई मुझे अपनी और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, इसलिए मैं आगे देखता हूँ कि क्या मैं 510 या 520 के आसपास अपनी क्वांटिटी ऐड कर पाऊँगा। अगर ऐड करते हैं तो देखते हैं कि मार्केट अभी कहाँ तक चलती है। उसके बाद देखना ये होगा कि भाई बजट 11 बजे आएगा और हम देखते हैं कि बजट कैसा आता है। अगर बजट अच्छा आया तो मार्केट में आपको अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, और अगर वहीं मार्केट को बजट पसंद नहीं आया तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को भी मिलेगा। और अभी देखना ये होगा कि बजट मार्केट को किस तरफ ले जाता है। तब तक के लिए सी यू, वेट एंड वॉच।